अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इधर इस्लामाबाद में मौजूद है आईएट मरकज में। तो यहाँ हम ट्राई करेंगे अल खलीज की मंदी। इनकी यहाँ की मंदी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो ट्राई करेंगे। या फिर इनकी मंदी समेत एक प्लेटर होता है जो कि जिसमें मंदी भी शामिल होती है और काफ़ी चीज़ें, तो वो ट्राई करते हैं। तो चलते हैं, अब वो उनके बनाने का तरीका भी आपको दिखाते हैं और साथ साथ उनसे पूछेंगे। ये है आईएट मरकज, बैंक अल हबीब लिमिटेड के बिल्कुल साथ है अल खलीज मंदी। तो ये जो इनका बाहर बैठने का जो सेटअप है वो है सारा, और बाकी जो है इनका सेटअप वो अंदर बना हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं इनका अंदर का सेटअप। ये मेन जो है ये इनका इंटर हो तो इस तरह का सेटअप बना हुआ है, ये सारा ये सेपरेट जो ओपन है सारा, एक वो बाहर ओपन एरिया में है वो है सारा, बाकी इस तरह के ये सेटअप्स हैं। कि मतलब अगर आप पर्सनली भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप मतलब रूम वगैरह लेके यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये यहाँ के ओनर हैं, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर ये आपको मंदी का आइडिया कहाँ से आया? मंदी बेसिकली यहाँ पर आईएट मरकज में कुछ ऐसे था कि डिमांड थी, बिल्कुल लोग चाह रहे थे कि ट्रेडिशनल अरबिक फूड यहाँ पर हो, उस वजह से हमने यहाँ पे ऑफर किए और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रिस्पांस है। तो सर ये आपको कितने टाइम हो गया रेस्टोरेंट ओपन किए हुए? अभी बेसिकली इसको हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इट्स अ न्यूली ओपन ब्रांच और रिस्पांस अच्छा है इसका, स्टार्ट से रिस्पांस अच्छा है। तो सर इसके अलावा भी आपकी कोई और ब्रांच है? नहीं, ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पर। तो सर ये मतलब मंदी के अलावा भी आपके पास कोई और स्पेशल चीज़ होती है मतलब खाने वगैरह में, स्पेशल ना भी हो मतलब वैसे कोई चीज़ मंदी के अलावा? इसमें हमारे पास जो है वो मंदी राइस है, उसके अलावा चिकन कढ़ाई होगी, वो भी थोड़ी सी आपको ट्रेडिशनल वे में मिलेगी, मटन कढ़ाई होगी, तो इसमें है बिल्कुल है। तो सर ये मंदी बनाने का तरीका वगैरह क्या आप ये बता सकते हैं कैसे बनती है? मंदी बेसिकली ऐसे है कि मंदी चावल को कहते हैं अरबी, ठीक है। तो मंदी बेसिक जो डिश है ये है यमन की, तो ये स्टार्ट वहाँ से हुई है, और इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और इसलिए इसका टेस्ट भी बड़ा यूनिक होता है। लेकिन ये है कि बनाने वाला जो शेफ होता है उसका बनाने का अंदाज कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए। जैसे कि मंदी राइस जो है वो तैयार होता है मटन की यखनी के अंदर, और इसमें बेक चिकन होती है, तो बड़ा यूनिक सा टेस्ट होता है। आई मस्ट से कि आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। ये मंदी इनकी आ चुकी है, तो ये ऑनर है यहाँ के, तो ये भी हम यहाँ साथ मौजूद हैं। तो आप ट्राई करते हैं इनकी मंदी और ट्राई करके आपको बताते हैं कि इनकी मंदी कैसी है। ये जो है ये सॉस जो है ये इनकी स्पेशल सॉस होती है, मंदी के साथ देते हैं साथ। ये बारबेक्यू भी देते हैं, ये कबाब है बारबेक्यू जिसके ऊपर ये क्रीम वगैरह डालते हैं। उसके अलावा ये बारबेक्यू में चिकन मलाई बोटी और बाकी ये जो चिकन का पीस होता है मंदी वाला, वो तो आप ट्राई करते हैं। तो ये फर्स्ट ही हम बारबेक्यू के साथ ट्राई कर रहे हैं। यार बारबेक्यू के साथ तो बहुत ज्यादा मजे की लग रही है।
अब जो मेन मंदी वाला चिकन है वो इसके साथ खा के ट्राई करते हैं मंदी के साथ। यार जो इन्होंने चिकन बेक किया हुआ है उसका बहुत लेवल का टेस्ट आ रहा है। जो ये मंदी मतलब राइस है इनका तो टेस्ट ही एक अलग है, बाकी जो चिकन इन्होंने किया हुआ है बेक बहुत लेवल का। अब इसके ऊपर इनकी जो ये स्पेशल सॉस है ये डालते हैं और ये ट्राई करते हैं मंदी के साथ। यार ये जो इनकी स्पेशल सॉस है बहुत ज़्यादा मज़ेदार मज़ेदार। मेरे ख्याल से अब जब मैं मंदी ट्राई करने इस्लामाबाद में, अल खलीज मंदी है आई एड मरकज़ में, बैंक अल हबीब लिमिटेड के बिल्कुल साथ है, तो इनसे आपने मंदी यार इनकी लाजमी ट्राई करनी। यार एक दफ़ा बंदे को खा के कहते हैं चस आ गई, वो वाला हिसाब है, बहुत मज़े की है। जो भी आएगा इस व्लॉग के थ्रू जो उनको स्पेशल जो है 15% डिस्काउंट जो है वो अनाउंस कर। ओह माय गॉड, वाओ, ये 15% ये सर कह रहे हैं कि स्पेशल 15% डिस्काउंट ट्राई करें एक दफा और फिर आप खुद आप रिव्यू करेंगे कि जो हमने आपको आपने जो बताया इनको इस व्लॉग में वो ठीक दिया या नहीं है। तो इसके लिए आपको 15% हम डिस्काउंट देंगे। आपने करना यह है कि इस व्लॉग के थ्रू आना है, ठीक है, आपने इनका नाम लेना है, ठीक है, और आपको 15% स्ट्रेट जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर आप खाएंगे तो नेक्स्ट टाइम होपफुली कि आप 15% एक्स्ट्रा ही पे करके देंगे, ठीक है। फिर भी हम इस व्लॉग के थ्रू जो आएगा 15% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट। आपके पास सर मटन मंदी भी होती है? मटन मंदी भी है, चिकन मंदी भी है, ठीक है। और मैं ये मतलब एक चीज़ और कि जब भी आप हमारे रेस्टोरेंट में आए, चूँकि हमारे पास तो कढ़ाई भी है, चिकन कढ़ाई भी है, मटन कढ़ाई भी है, बारबेक्यू है, और उसमें आपको अच्छा टेस्ट, एक यूनिक टेस्ट हर चीज़ मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे इन सबसे व्यूअर्स ये रिक्वेस्ट करूंगा आप जब भी आएँ लेकिन एक दफ़ा मंदी को आप जरूर ट्राई करें। ये सर भी कह रहे हैं मंदी को, यार इनकी मंदी वाकई बहुत ज़बरदस्त बनी है भाई, मज़ा आया। तो ये अब हम मौजूद हैं आई एड में बर्गर फेस्ट पे, ये भी आई एड में बिल्कुल, ये क्वेटा नट्स के बिल्कुल साथ है। तो ये आपको दिखा देते हैं, मतलब मैं आई एट का जो मतलब मेन रोड है वो भी आपको दिखा देता हूँ जिधर ये है वो भी, और उसके बाद इनके पास चलते हैं और जो इनकी स्पेशल चीज़ है वो ट्राई करेंगे और साथ में आपको बनाने का तरीका वगैरह भी इनका दिखाएंगे। तो ये है आई एट मरकज़ इस्लामाबाद। तो ये बर्गर फेस्ट है, यहाँ आप जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम। भाई क्या हाल है? ठीक है जी जी सर। सर ये आपकी स्पेशल चीज़ क्या है सबसे? सर चिकन में चिकन बिल्ले और बीफ में बीफ बिल्ले, ट्रिपल पैटी में, वो हमारी स्पेशल है जी। सर इसके अलावा आपकी और ब्रांचेज हैं? जी सर काफ़ी ब्रांच है हमारी, इस्लामाबाद में भी है, पिंडी में भी है। तो ज़्यादा इस्लामाबाद में है कि रावलपिंडी में? रावलपिंडी में सर एक है, इस्लामाबाद में। तो अब इनका जो इनका स्पेशल बर्गर होगा वो ट्राई करेंगे, चिकन या क्या, तो दोनों रहे हैं, अब देखिए उनमें से जो सबसे ज़्यादा स्पेशल वो ट्राई करते हैं। तो ये हमारा भिंडा बर्गर आ चुका है, इस बर्गर का नाम है भिंडा बर्गर। इसमें 3 पैटीज चलती है, सबसे पहले उसे ग्रिल किया जाता है, फिर इसके ऊपर मतलब वो मैंने आपको सारा दिखाया चीज़ वगैरह रख के ग्रिल करके, तो फिर उसकी इनकी जो स्पेशल सॉसेज होती हैं वो हैं। तो ये आप बर्गर का साइज़ देख सकते हैं, ये देख फुल जूसी बर्गर जिसे कहते हैं वो लग रही है। तो अब ये ट्राई करते हैं, ट्राई करके फिर आपको इसके टेस्ट के बारे में। मज़ा आया।
यार बर्गर का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन बर्गर का जो टेस्ट है बहुत लेवल है, बहुत जूसी बर्गर है ये, बहुत मजे का है भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना यार, इनका बर्गर बहुत ज्यादा टेस्टी है। अब जब आए इनके पास लाजमी ट्राई करें, बर्गर फेस्ट के नाम से ये रेस्टोरेंट है IAD इस्लामाबाद में, और जो इनके सॉसेज वाली है बर्गर के अंदर यार बहुत मजे की है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये वैसी सॉसेज है जो एक दफा लाहौर मैंने वो प्लेटर ट्राई किया था ना, सेम वैसी सॉसेज है, बहुत ज्यादा मजेदार है। अब जब आए लाजमीन का बर्गर ट्राई करें, तो यहाँ बर्गर फेस्ट के साथ है वॉफल प्लैनेट, तो आप वहाँ से ट्राई करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनका एक छोटा सा सेटअप है वो भी आती है। तो ये है वॉफल प्लैनेट, इधर वो भाई था वो तो भी गया हुआ, वो एक छोटा बच्चा है, तो अब उससे पूछते हैं वगैरह और साथ बात वगैरह करते हैं। तो ये इनका छोटा सा सेटअप है, ये इनका सारा मेन्यू है। कैडबरी डिलाइट, ये कह रहे हैं कि ये हमारी मतलब बहुत ज़्यादा चलती है, स्पेशल है। ये छोटा भाई है हमारा चिन्ना स्वामी, नहीं चिन्ना स्वामी नाम नहीं है, मैंने वैसे कहा उसका नाम। भाई आपका नाम क्या है छोटे? मोहम्मद असद। मोहम्मद असद नाम है। वालेकुम छोटे, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक, आप कैसे? जी ठीक। ये आपका जो सेटअप है, इसके अलावा भी आपका कोई और सेटअप है या एक ही है? फिलहाल तो नहीं है, अभी हम एक्सटेंड का सोच रहे हैं। तो इसको कितना टाइम हो गया? इसको हो गया ढाई महीने हो गए। ढाई महीने ना, तो ये इस एरिया में है भी, ये एक ही है मेरे ख्याल से जी, वो उधर भी शेंग के भी आगे लगा, शेंग के लगा। तो ये ट्राई करते हैं इनका, आपका सबसे स्पेशल फ्लेवर कौन सा है? कैडबरी हमारा ज़्यादा रनिंग पे चलता है। कैडबरी, तो अब इनका कैडबरी फ्लेवर ट्राई करेंगे और वो आपको बनाने का तरीका भी इनका दिखाते हैं। कैडबरी डिलाइट रेडी हो गया बनके, तो अब ये ट्राई करते हैं, ट्राई करके आपको बताते हैं। यार मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, बहुत मजे में, मजा आया। भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, ये स्पेशली स्पेशली रेकमेंड है, अगर जब आप इधर आए इस्लामाबाद आई एट में, ये छोटा भाई है, इसके बाद लाजमी आपने आकर ट्राई करना है। एक तो उसका सेटअप भी न्यू न्यू है, दूसरे नंबर पे यार जो इसने बनाया हुआ है माशाल्लाह बहुत ज्यादा मजा आया। शाबाश बेटा, अब जब मैं लाजमी ट्राई करेंगे कैडबरी डिलाइट है। तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। लाइक एंड शेयर माय वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।